नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बोर्ड ने हमेशा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया इवन के हम जब उनको ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान टीम हमेशा सबके लिए हाजिर हुई है। अब ये वक्त है कि दूसरे बोर्ड को भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। क्रिकेट की बात है, इवन के ICC से भी रिक्वेस्ट है कि वो क्रिकेट को हमेशा प्रमोट करने की बात करते हैं नई नई जगहों पर, जो पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर दुनिया की क्रिकेट मैं नहीं समझ सकती। जैसे इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करते, तो अगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं तो पाकिस्तान को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर एशिया कप न्यूट्रल पे ले जाते हैं? देखिए, एशिया कप अगर आप ये पाकिस्तान में न हो तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। पाकिस्तान का हक बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी, और ये अगर एशिया कप होगी तो चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, एंड देन फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भी जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ACC को चाहिए कि वो क्रिकेट जितने भी मैचेज हों पाकिस्तान से शुरू करें, एंड देन फिर आप उसको दुबई ले जाओ, श्रीलंका ले जाओ। आपने बहुत ज़्यादा आपने भी बात की कि UAE में आप भी क्रिकेट खेलें, पूरी दुनिया क्रिकेट खेलिए, लेकिन अब पाकिस्तान के कुछ ब्रदर मुल्क हैं जो वो कह रहे हैं कि जी मौसम बड़ा सख्त होता है और हम दुबई में क्रिकेट नहीं खेल सकते, वैसा ही मौसम उनको कतर और श्रीलंका में मिलेगा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इस तरह के एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता कि गर्मी ज्यादा है या सर्दी ज्यादा है, इतने भी बुरे मौसम नहीं है। और हम तो हमें तो याद है कि हम डे मैचेस खेलते थे, अब तो डे नाइट मैचेस है, वेदर बेहतर हो जाता है 4 बजे के। वेल, जो भी चेयरमैन का स्टैंड है वो बहुत क्लियर है। कुछ दिनों पहले शकील शेख साहब से भी उनके स्टांस के हवाले से बात हुई है, ताकि सोर्सेज से बात ना पता चले तो बोर्ड ऑफिशियल से पता चले कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। देखें, नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को ख़रीद सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बोर्ड ने हमेशा श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया इवन के हम जब उनको ज़रूरत पड़ी, पाकिस्तान टीम हमेशा सबके लिए हाजिर हुई है। अब ये वक्त है कि दूसरे बोर्ड को भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। क्रिकेट की बात है, इवन के ICC से भी रिक्वेस्ट है कि वो क्रिकेट को हमेशा प्रमोट करने की बात करते हैं नई नई जगहों पे, जो पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर दुनिया की क्रिकेट मैं नहीं समझ सकती। जैसे इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करते, तो अगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं तो पाकिस्तान को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अगर एशिया कप न्यूट्रल पे ले जाते हैं? देखिए, एशिया कप अगर आप ये पाकिस्तान में न हो तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। पाकिस्तान का हक बनता है कि चैंपियंस ट्रॉफी, और ये अगर एशिया कप होगी तो चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, एंड देन फिर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भी जाएगा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ACC को चाहिए कि वो क्रिकेट जितने भी मैचेज हों पाकिस्तान से शुरू करें, एंड देन फिर आप उसको दुबई ले जाओ, श्रीलंका ले जाओ। आपने बहुत ज़्यादा आपने भी बात की कि UAE में आप भी क्रिकेट खेलें, पूरी दुनिया क्रिकेट खेलिए, लेकिन अब पाकिस्तान के कुछ ब्रदर मुल्क हैं जो वो कह रहे हैं कि जी मौसम बड़ा सख्त होता है और हम दुबई में क्रिकेट नहीं खेल सकते, वैसा ही मौसम उनको कतर और श्रीलंका में मिलेगा, इस बारे में क्या कहेंगे आप? प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इस तरह के एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढता कि गर्मी ज़्यादा है या सर्दी ज़्यादा है, इतने भी बुरे मौसम नहीं है। और हम तो हमें तो याद है कि हम डे मैचेस खेलते थे, अब तो डे नाइट मैचेस है, वेदर बेहतर हो जाता है 4 बजे के बाद।